हेलो दोस्तों, आपका हार्ट स्पोर्ट्स स्टडी में स्वागत है। आज हम 27 अप्रैल 2020 के लिए करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि अति ही महत्वपूर्ण है। आज आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि आज कोई भी ऐसा वर्ड नहीं मिला है जिसको मैं रिलेट कर आज याद करवा सकूँ। तो चलिए आज देखते हैं करंट अफेयर्स को। हम डेली रिलेट कर याद भी करते हैं, लेकिन आज कोई ऐसा शब्द नहीं मिला है। हाँ, अगर इसकी PDF चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला कि धन्वंतरी योजना किस राज्य में शुरू किया है। धन्वंतरी योजना किसने शुरू किया है? तो असम ने इसको शुरू किया है। असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो सोनेवाल जी हैं। ठीक, सोनेवाल नाम है। आज मैंने मुख्यमंत्रियों के याद करने की ट्रिक एकदम आसान तरीके से बनाई है, जाकर आप देख सकते हैं दोस्तों। आप देखने के बाद कभी भी नहीं भूलेंगे कि कौन से राज्य के कौन से मुख्यमंत्री हैं। ठीक, तो सर्वानंद सोनेवाल असम के मुख्यमंत्री हैं। तो धन्वंतरी योजना किसने राज्य ने शुरू किया है? तो असम ने। असम की राजधानी की बात करें तो दिसपुर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र सरकार ने कब तक सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है? तो कब तक लगा दी है? जनवरी 2021 की, मार्च 2021 की, जून 2021 की, जुलाई 2021। तो ये है जुलाई 2021 तक इनके वेतन भोगियों पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ये मोस्ट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल किस दिवस के शुभ अवसर पर शुरू किया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के शुभ अवसर पर, इसको प्रधानमंत्री मोदी ने इसको शुरू किया है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल योजना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि किस देश ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए 40 करोड़ मुद्रा की अदलाबदली करने का करार करने की घोषणा की है? तो ये किसने की है, किस देश ने? तो ये की है श्रीलंका ने इसको घोषणा की है कि मैं अपने 40 करोड़ डॉलर मुद्रा का अदलाबदली करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पाँच कदम कोरोना मुक्त योजना किसने शुरू किया है? तो ये किसने शुरू किया है? टाटा ट्रस्ट ने। थोड़ा सा इसको याद कर सकते हैं दोस्तों कि टाटा, तो ये चार ही कदम हुआ, टाटा लिखेंगे तो चार ही कदम हुआ, तो एक अपने में से जोड़ लीजिए पांच कदम, तो टाटा कदम यानी पांच कदम योजना, कोरोना मुक्त योजना किसने शुरू की है? तो टाटा ट्रस्ट ने, याद रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। 17 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है, हमने याद किया था कि एक साथ महसूस करना चाहिए, यानी हीमोफीलिया दिवस। ठीक है ना, हीमोफीलिया दिवस कैसे याद करवाया था दोस्तों? आप देख सकते हैं हीमोफीलिया मतलब यहाँ पर 17 को क्या पढ़ सकते हैं, एक और 7 को पढ़िए 7, एक साथ हिम मिस बर्फ को और फील मिस महसूस, हम लोगों को एक साथ बर्फ को फील करना चाहिए, महसूस करना चाहिए, यानी हिम को फील करना चाहिए, तो हीमोफीलिया यानी बर्फ को फील करना चाहिए एक साथ। ठीक ना, तो याद रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संपर्क बैठक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? संपर्क बैठक बात करें इस ऐप की, तो ये ऐप विद्यार्थियों के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो हरियाणा ने किया है। हरियाणा, हरी मतलब क्या होता है दोस्तों? भगवान होता है, हरी मिस भगवान को कहते हैं, तो भगवान जी यानी संपर्क बैठक यानी बैठने के लिए कर रहे हैं। तब कभी भी हरी की पूजा किस तरह की जाती है? बैठ कर, खड़ा होकर, तो बैठ कर। ठीक, तो याद कर सकते हैं, दिमाग बैठा सकते हैं कि संपर्क बैठक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हरियाणा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने मन की बात 2.0 में कौन सी कड़ी का संबोधन किया, यानी कौन से नंबर की कड़ी थी? ये 11वें नंबर की कड़ी थी। थोड़ा सा दिमाग बैठा सकते हैं दोस्तों कि ये 11वें नंबर की कड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कहाँ छात्रों ने कम लागत वाले मैकेनिकल वेंटिलेटर रूहदार को विकसित किया है, यानी रूहदार को किसने विकसित किया है? तो ये IIT बॉम्बे के छात्रों ने विकसित किया है इसको, रूहदार। ठीक ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पिछले वीडियो का उत्तर की बात करें कि पिछले वीडियो का उत्तर किसने दिया था? तो ये दिया था
अजय कुमार राजभर ने, ठीक ना, अजय कुमार राजभर ने पिछले वीडियो का उत्तर दिया था, जो कि क्या है कि किस राज्य ने COVID-19 संकट से निपटने के लिए 5T प्लान की घोषणा की, तो ये कि 5T प्लान की घोषणा दिल्ली सरकार ने की है। ठीक, आज अभ्यास प्रश्न की बात करें, यह अरुणाचल प्रदेश सरकार ने, और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने COVID-19 से मुकाबला करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया, कि तो किस ऐप को लॉन्च किया, कोविड कंट्रोल का, कि रक्षा स्वरों का, कि कोविड केयर का, कि नन का। मैं एक वीडियो बना दिया हूँ दोस्तों COVID-19 से संबंधित, COVID-19 को मैंने अच्छी से याद करवाया दोस्तों, आप वो जाकर वीडियो देख सकते हैं नीचे दिए गए लिंक में, वो देखने के बाद आप कभी भी ऐप का नाम नहीं भूलेंगे कि किस राज्य ने कौन सा ऐप चालू किया था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए ये आज के अभ्यास प्रश्न का, अगले वीडियो में आपका नाम जरूर लिया जाएगा कि किसने इसका आंसर सही दिया है। ठीक, तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएँ। धन्यवाद दोस्तों।